नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले वाराणसी के एक सिविल जज ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक डायरेक्टिव जारी किया। अदालत ने एएसआई को यह निर्धारित करने को कहा कि क्या वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाया गया था या नहीं। द एएसआई वॉज आस्क्ड टू एसर्टेन इफ देयर वॉज अ सुपर इम्पोजिशन ऑल्टरेशन और एडिशन और स्ट्रक्चरल ओवरलैपिंग विथ और ओवर एनी अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर। हिंदुस्तान में कभी ना खत्म होने वाला हिंदुत्व की नैरेटिव में कोर्ट का ये ऑर्डर लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत ही चिंताजनक घटना है। आप कह सकते हैं कि मैं फिर से वही बात को रिपीट कर रहा हूं। आखिर कुछ सप्ताह ही तो पहले मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में बात कर रहा था और उसी के साथ एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को इस कानून के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो अदालत ने ये क्या ऑर्डर जारी किया है? क्या इससे ज्ञानवापी मस्जिद को कोई खतरा है? क्या भारत में फिर से एक बार मंदिर मस्जिद टकराव का दौर शुरू होगा? राम मंदिर पर काम शुरू होने के बाद क्या ऐसा नहीं लगा था कि ये अध्याय अब भारत के अतीत में हमेशा रहेगा? बट इट ऑल अपीयर्स टू हैव बीन अ मियर इल्यूशन। आप सब जानते हैं बीजेपी अगर 2014 से सत्ता में है तो इसका श्रेय पूर्ण रूप से अयोध्या आंदोलन और उससे उत्पन्न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलाए हुए कैंपेन को जाता है। जब राम मंदिर का आंदोलन वीएचपी ने मिड 1980s में लॉन्च किया था, उस समय बीजेपी के पास मात्र 2 MP लोकसभा में थे। उसके बाद से 1989 में 85 सीट्स, 1991 में 120, 1996 में 160 और 1998 और 1999 दोनों बार 182 सीट्स, इतने सीट्स बीजेपी ने जीते। 2004 में झटका लगा बीजेपी को और पार्टी की टैली 138 पर आके गिर गई। पार्टी के हाथ से सत्ता भी चली गई। 2009 में इलेक्शंस में बीजेपी का परफॉर्मेंस और भी खराब था। मात्र उनको 116 सीट्स मिली और कांग्रेस के लीडरशिप में यूपीए सरकार दोबारा से सरकार में आ गई। 2014 में तख्ता पलट हो गया। 3 दशक के बाद बीजेपी पहली सिंगल पार्टी मेजॉरिटी वाली सरकार बनाने में सक्सेसफुल हुई। 282 सीट्स जीते पार्टी ने। 2019 में तमाम एक्सपेक्टेशंस को गलत साबित करते हुए पार्टी ने उससे और ज्यादा 303 सीट्स जीते। COVID-19 पैंडेमिक के मिसहैंडलिंग के बावजूद बीजेपी अभी भी हिंदुस्तान की डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है। बट दिस एंटायर एजिटेशन वॉज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ राम टेम्पल इन अयोध्या। अगर ऐसा होता ये कि राम मंदिर आंदोलन मात्र अयोध्या में मंदिर के लिए था तो मथुरा और काशी के मुद्दे इतनी जल्दी सेंटर स्टेज पर नहीं आ जाते।
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में अयोध्या में जो विवादित प्रॉपर्टी थी उसको हिंदू पार्टीज को अवार्ड किया था, लेकिन उन 5 जजेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ज्ञानवापी मस्जिद जैसे कई और प्रॉपर्टीज को सेफगार्ड किया था। हमने तो संघ परिवार का नारा बहुत सुना है, ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। परंतु हम सब जानते हैं इनकी लिस्ट एंडलेस है। ऑलरेडी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद और दिल्ली के कुतुब मीनार पर इन लोगों ने दावा कर दिया है और केसेस कोर्ट में फाइल कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से उम्मीद जगाई थी कि बाकी इस्लामिक श्राइन्स और स्ट्रक्चर्स पर क्लेम्स एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। The judgment had said that places of worship act imposed a positive obligation on the government to maintain religious character of every place of worship as it existed on the 15th of August 1947. सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुस्तान के सेक्युलर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है। आगे लिखा था उन्होंने अपने जजमेंट में, पार्लियामेंट बाय पासिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंडेटेड इन नो अनसर्टेन टर्म्स दैट हिस्ट्री एंड इट्स रॉन्ग्स शैल नॉट बी यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट्स to oppress the present and the future. यानी अयोध्या के अलावा बाकी धार्मिक स्थलों को हिंदू को रिस्टोर करने का जो डिमांड है उस पर रोक लगाया जाएगा। कहा था places of worship, क्या था places of worship act, किन परिस्थितियों में संसद में ये महत्वपूर्ण कानून पास हुआ था। नरसिम्हा राव सरकार ने सितंबर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट में पास करवाया था। द लॉ वाज अ लेजिस्लेटिव एफर्ट एट अपीजिंग हिंदू सेंटीमेंट्स बाय अलाउइंग द कोर्ट्स टू कंटिन्यू हियरिंग द अयोध्या डिस्प्यूट। दिस केप्ट द ऑप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द राम टेंपल ओपन। Simultaneously, Places of Worship Act 1991 reassured Muslims that other places of worship claimed by the Sangh Parivar would be protected in future by the state and more importantly by the Indian Constitution. Gyanvapi Masjid mein ek ASI survey ka aadesh ke baad ye एश्योरेंस या आश्वासन मीनिंगलेस हो गया है। इस आदेश को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। अपील के हियरिंग के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के स्टैंड्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। ऐसे वाराणसी के कोर्ट का आदेश बहुत मिस्चीवस है। द जजेस डिड नॉट पे heed to the fact that the Allahabad High Court had reserved its judgment on the maintainability of the Hindu's case on the Gyanvapi Masjid. 1991 में Gyanvapi Masjid के खिलाफ title dispute का पहला केस Varanasi के कोर्ट में फाइल हुआ था। हिंदू पार्टीज का दावा था मूल मंदिर राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2050 साल पहले बनाया था। औरंगजेब ने 1664 में इसे ध्वस्त कर दिया था। हिंदू पार्टीज के अनुसार इस मंदिर के मलबे पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पार्टीज ने उस जमीन की मांग की थी अपने केस में, कहा था Places of Worship Act
से ज्ञानवापी मस्जिद को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सवाल इतिहास का नहीं है बल्कि कानून का है। तो लॉ नाउ सेज एवरी श्राइन मस्ट रिमेन एज दे वर ऑन द 15th of August 1947। मुस्लिम्स आर करेंटली इन फिजिकल पोजिशन ऑफ द मॉस्क इन वाराणसी। इंपॉर्टेंटली द डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजिशन वॉज अ मेजर बेसिस फॉर अवॉर्डिंग द लैंड इन अयोध्या टू द हिंदूज दैट द मुस्लिम्स वर नॉट इन पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर सेवरल डेकेड्स। इस लॉजिक के हिसाब से मुस्लिम पार्टीज को कैसे ज्ञानवापी मस्जिद से बेदखल किया जा सकता है? कई साल वाराणसी के सिविल कोर्ट में ये केस पेंडिंग रहने के बाद लोकल मस्जिद कमिटी ने 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर हिंदू पार्टीज के केस की मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया। कोर्ट ने स्टे दिया और पिछले महीने तमाम सुनवाई करने के बाद अपने जजमेंट को रिजर्व कर दिया। इसके बावजूद वाराणसी के सिविल जज ने जनवरी 2021 में एप्लीकेशन एडमिट की और अब एएसआई को सर्वे करने को कहा है। इफ दिस वॉज नॉट द ओनली मिस्चीवस एक्ट ऑफ द कोर्ट्स देन पॉसिबली A more questionable act was that of the Supreme Court in the month of March. A BJP-linked lawyer moved the Supreme Court challenging the constitutional validity of the Places of Worship Act. अजीब बात है, अदालत ने इस याचिका को ना सिर्फ एडमिट किया परंतु केंद्र को नोटिस भी जारी किया कि सूचित करें ये कानून संवैधानिक है या नहीं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे इस इशुइंग बेंच के सदस्य थे। विडंबना तो यह है कि नवंबर 2019 का जो अयोध्या का जो जजमेंट था उसके भी सदस्य जस्टिस बोबडे थे। दिस इफेक्टिवली मींस दैट ही अलाउड क्वेश्चंस टू बी रेज्ड ऑन अ जजमेंट दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ। Of course, it can be argued that the bench that heard the Ayodhya matter did not look into or did not examine separately the Places of Worship Act and that this is legally permissible. Lekin is faisle se anya disputes reopen karne ki possibilities badh jati hain. I am sure that agle ek do saalon mein हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलग अलग क्लॉसेस पर चर्चा करेंगे और उस पर बात करेंगे। ये कहना मुश्किल है कि ये फैसला आगे क्या होगा। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संवैधानिक माना जाएगा या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा? इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट लेकिन राजनीतिक रूप से विभाजनकारी या फिर डिविसिव होगा। द वेरी फैक्ट दैट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हैज बीन क्वेश्चन्ड एंड द सर्वे ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क हैज बीन ऑर्डर्ड इज सफिशिएंट टू रेज एंड इनफ्लेम पैशंस। मथुरा में शाही ईदगाह के खिलाफ केसेस फाइल हुए हैं, नए केसेस फाइल हुए पिछले दो सालों में, खास तौर से नवंबर 2019 के अयोध्या जजमेंट के बाद से। These cases were admitted despite the Krishna Janmabhoomi Sanstha and the Shahi Idgah Committee's agreement of 1968. Many leaders of the Sangh Parivar were part of this understanding under which the Shahi Idgah remains in existence and continues to function as a religious place. अब वे इसे नलिफाई करना चाहते हैं क्योंकि वे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और डोमिनेंट हो गए हैं। जिन सेक्युलर वैल्यूज की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने अयोध्या जजमेंट में की थी,
अब उनका प्रोटेक्शन हमारे कोर्ट्स के हाथों में है। सबसे पहले ये आवश्यक है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संवैधानिक माना जाए। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स से उम्मीद यही रहेगी कि वे एक एक करके जो उनके सामने टाइटल सूट्स आए उनको एडमिट नहीं करें। बात अब मात्र धार्मिक स्थलों के सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का नहीं है, बल्कि हमारे देश का संविधान के बेसिक कैरेक्टर को प्रोटेक्ट और उसकी मर्यादा का उसकी बात है। नमस्कार।